तो चलो इसको गर्म करते हैं और बन जाएगा अपना देसी बर्गर मस्त। तो अपना तो ब्रेकफास्ट सेट हो गया मस्त, देसी बर्गर वहीं खाएंगे, मम्मी तो घर में आए। तो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे आप सभी लोग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सौरभ जोशी वाला बर्गर बनाने, जिसका नाम है सौरभ जोशी बर्गर। तो काफ़ी अच्छी ट्रिक लगी यार, मतलब बची हुई सब्जी को बन में डाल के को तल के बढ़िया मस्त बर्गर बनाना। तो चलिए पे चलते हैं बनाते हैं। थैंक गॉड घर में बन है। तो मम्मी बना रही क्या? हम बना रहे सौरभ जोशी का बर्गर, हम बना मम्मी ठीक है। शाबाश। आज हम लोग खाने जा रहे हैं सौरभ जोशी का बर्गर, सौरभ जोशी बर्गर। तो मम्मी कैसा लगेगा, आपको क्या लगता है कैसा लगेगा? क्या ये बर्गर सौरभ जोशी और बर्गर चीज फ्राई कर दो सब ये। मम्मी का एक्सपीरियंस बोल रहा, कोई भी चीज फ्राई कर दो सब अच्छी लगने लगती है। तो बता रहे मम्मी ने रात में बनाई थी ताहरी, और ताहरी का आज हम लोग खाएंगे। ताहरी सिखाओ तो बर्गर क्या खाना। अरे सॉस क्यों डालेंगे? अरे मम्मी अपना सौरभ जोशी मम्मी वाला बर्गर, मम्मी का भी ऐड हो गया। चलो देखते हैं मम्मी क्या बना रही। और ये हमारा बन बन हो चुका है और ये फ्राई होने के लिए रेडी आराम से। मम्मी क्या लगता है कैसा होगा? अच्छा होगा पक्का। इधर देखिए और कुछ कहना चाहती हैं? मतलब स्टाइल आपको कैसी लगी? ये इससे हम बनाते ही हैं सब चीज़ें, तुम लोग आज पता चला है। हम तो सब्जी अक्सर जो आलू सब्जी है कोई भी चीज़ बच जाती तो मैं बना ही देते हैं। और आज खुल रही पोल, तुम्हें बताते तो तुम खाते नहीं। आज खुल गई पोल। बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है, बहुत ज्यादा वो हो रही है, मतलब कैसा लगेगा आज सौरभ जोशी बर्गर। तो सौरभ जोशी भाई काटना नहीं ले लीजिए, काट लो तो ज्यादा सही से खा लो। देख लीजिए आप अपने हिसाब से। हैप्पी बर्थडे टू यू। पहली बार मैं किसी का बर्थडे केक तवे पे मनते हुए देखा। टन टन है बर्गर रेडी। नजर लग गई भाई, नजर क्या तुमको लग गई? बर्गर आधा ही गिरा दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं, आमिर खा रहे हैं सौरभ जोशी वाला बर्गर, मगर कुछ इसमें रेसिपी थोड़ी सी चेंज हुई है जो हमने अपनी थोड़ी सी ट्रिक लगा के रखी है। मम्मी ने अब आमिर बताएंगे कि ये बर्गर कैसा आपको लगा। तो आधा हम खाएंगे आधा मम्मी खाएंगे। ओके ठीक है ओके। कैसा लगेगा? क्या समझ में आया? यार मजा आ गया भाई, कितना गजब लग रहा है यार। ये मैं ताहरी खा क्यों नहीं, हमने बर्गर में क्यों नहीं बना के खा लिया यार पूरी ताहरी। ये रेसिपी इतने गजब लग रही है यार, किसी भी पुरानी चीज को नए बनाने का ट्रिक है। हाँ पुरानी चीज को नए बनाने का तरीका ये हमारे साथ होता चला आ रहा है, हमें आज पता चला। सौरभ भाई कमाल कर दिया, वैसे तो आप ये वीडियो देखेंगे नहीं? क्यों नहीं देखेंगे, देखेंगे क्यों नहीं। सौरभ जी अगर आप इस वीडियो को देख के प्लीज कमेंट्स कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपके ही बनाए हुआ बर्गर से आज इन लोगों को ये मालूम हुआ है। ओहो कमेंट कर दीजिएगा, ओहो कमेंट तो जरूर आ रहे, कमेंट से मालूम हो जाएगा ना सौरभ जी ने देखी है। सही बात है। चलिए भाई अगर किस्मत में होगी तो कमेंट भी आ जाएगा। और प्लीज एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने चैनल पे, बड़े बड़े लोग छोटे को भी देते हैं तो अच्छा लगता है। ओ भाई साहब जी कुछ ज्यादा ही हो गया। मम्मी अब आप ट्राई करके देखिए कैसा लग रहा है। वाओ अच्छा लग रहा है, एक नंबर का। आप लोग भी एक बार बना के देखिएगा और कमेंट पे पूरी रेसिपी की मुझसे पूछिएगा, मैं बताऊंगी आपको। ओके डन। कैसा लग रहा? आप कहीं से ये नहीं बता पाएंगे कि इसके अंदर ताहरी है। हाँ ये बात तो सही है।
आज फाइनली सौरभ जोशी का बर्गर भी खा लिया हम लोगों ने। बहुत अच्छा लग रहा। ब्लॉग की शुरुआत होती है अपने इंस्पिरेशन सौरभ जोशी के बर्गर से। आप भी ट्राई करिएगा। लग रही इसके अंदर टाइम नहीं, बिल्कुल नहीं, तो मगर बता दिए, बताते रहे तो कभी ना मारते। जब मम्मी के एक पोल हम खोले, मम्मी जब भी ये ऐसी चीज बनाती है ना, मम्मी को कह रही थी मसाला बर्गर, मसाला पराठा, मसाला बर्गर तो भाई। तो खुल गए पोल। पुरानी रेसिपी को नया बनाना ही कुकिंग होती है। यस, नया को तो नया सभी बना ले रहे हैं। सही बात। पुराने कपड़े को काट के गरारा बनाना बहुत बड़ी बात है, वो सिलाई है। नए कपड़े का कोई भी बना ले रहा है, सिलाई नहीं, कलाकारी करते हैं। कलाकारी